एक ऐसा तेंदुआ जो अपनी जख्मी माँ के लिए मौत के मुंह से भी शिकार को ले आता था, एक ऐसा तेंदुआ जिसने अपना सब कुछ लुटाकर वापस पा लिया, और कैसे इस तेंदुए ने पूरे तालाब से मगरमच्छों को मार दिया। दोस्तों, ज्यादातर मामले में तेंदुए 2 साल की उम्र में अपनी माँ और इलाके को छोड़कर चले जाते हैं और खुद के दम पर जीते हैं, लेकिन पेम्बा 3 साल का होने के बाद भी अपनी माँ के दम पर जी रहा है, और पेम्बा की माँ भी सभी माँ की तरह उसे वो सब कुछ सिखाती है जिससे एक दिन वो खुद के दम पर जीना सीख सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पेम्बा एक माहिर शिकारी बन पाएगा या नहीं। दोस्तों, पेम्बा के एक माहिर शिकारी न बनने के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब कभी भी उसे कोई काम मुश्किल लगता है तो वो उस काम को अपनी माँ के लिए छोड़ देता है। आप देख सकते हो कि पेम्बा को उसकी माँ ने एक मरे हुए इम्पाला को पेड़ पर चढ़ाने का काम सौंपा है। ये सबक केवल अपनी खुराक को चोर हाइना से छुपाने के लिए ही नहीं है, बल्कि ये सबक अपने पैरों पर खड़े होने के लिए भी है। पेम्बा के प्रयासों से साफ नजर आ रहा है कि वो इस काम में सफल नहीं हो पाएगा, और मजबूरन माँ को अपने बेटे की मदद करनी ही पड़ती है। कोई भी मादा तेंदुआ अपने बच्चों को 3 साल तक अपने साथ नहीं रखती, पर पेम्बा की माँ उसे न केवल अपने साथ रख रही है बल्कि उसके लिए खाना जुटाने का काम भी करती है। पेम्बा के माँ के पास बोत्सवाना के ओकावांगो डेल्टा में शिकार वाला अनछुआ इलाका है। इस इलाके में पेम्बा ने सुरक्षित और शानदार जिंदगी जी है, और उस इलाके में शिकार की कोई कमी नहीं है। अगर कहीं कमी नजर आती है तो वो है पेम्बा में। पेम्बा 3 साल का हो जाने के बावजूद भी शिकार करने की कला को सीख नहीं पाया, और जब कुछ दिनों के बाद पेम्बा को पता चलता है कि उसकी माँ घायल हो चुकी है और उसकी माँ के लिए चलना भी बहुत मुश्किल हो चुका है, माँ के बिना पेम्बा के जिंदा बचने के चांसेस ना के बराबर है। पेम्बा इतना बड़ा होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी में एक भी शिकार नहीं किया था, लेकिन अब अपनी माँ को और खुद को जिंदा रखने के लिए उसे शिकार करना होगा। पेम्बा सबसे पहले गिनी फोल का शिकार करने की कोशिश करता है। सैकड़ों कोशिशों के बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिलती। शिकार के लिए बेताब पेम्बा अपनी माँ के इलाके से बाहर निकल जाता है। जिस इलाके में पेम्बा जाता है वो इलाका एक ताकतवर नर तेंदुए का है, और वो पेम्बा की इस घुसपैठी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। पेम्बा वहां सबसे पहले हिरण का शिकार करने की कोशिश करता है, पर वो इस बार भी कामयाब नहीं हो पाता। बिना कामयाबी के पेम्बा अपनी माँ के पास वापस लौट कर जा नहीं सकता। तभी उसे नर तेंदुए के इलाके में पेड़ पर एक मरा हुआ हिरण नजर आता है, और दूसरों का खाना चुराने की कोशिश में पेम्बा की जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी पेड़ पर चढ़ जाने के बाद अपनी माँ को आवाज लगाकर अपनी माँ को भी इस काम में शामिल कर देता है। पर ऐसा करने से माँ और बेटे दोनों की जान भी जा सकते हैं। पेम्बा उस नर तेंदुए का खाना खाता रहता है और माँ निगरानी बनाए रखती है। तभी वो नर तेंदुआ लौट आता है। नर तेंदुए के आते ही माँ बेटे को अलर्ट करके भाग जाती है, और पेम्बा भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग जाता है, लेकिन वो वही पेड़ से दूर इंतजार करता है कि कब खाने का मालिक खाने को अकेला छोड़कर जाएगा। आधी रात बीत जाने के बाद आखिरकार नर तेंदुआ पेड़ से नीचे उतरकर चला जाता है, तो पेम्बा बिना वक्त बर्बाद किए पेड़ पर चढ़ जाता है और पिंजर को निकालने की पूरी कोशिश करता है, पर पिंजर पेड़ में अटक जाने के कारण निकल नहीं पाता। हालांकि पिंजर को निकालते वक्त उसका एक पैर टूटकर नीचे गिर जाता है, जो कि जख्मी माँ को मिल जाता है। बेशक पेम्बा ने शिकार नहीं मारा, पर उसने अपनी जख्मी माँ के लिए खुराक का इंतजाम कर ही दिया। इससे पहले कि माँ और बेटे उस पिंजर को अच्छे से खा पाते हैं, ये दोनों फिर एक बार पकड़ लिए जाते हैं। उनके पास लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, और बेशक इस लड़ाई में पेम्बा हार जाता है और पिंजर उसके असली मालिक के कब्जे में आ जाता है। 3 महीने गुजरने के बाद एक नया सीजन एक बड़े बदलाव की शुरुआत करता है। माँ की जख्मी टांग ठीक हो चुकी है और ये फिर से शिकार करने के लायक हो चुकी है, और अब पेम्बा भी खेल खेल में अपनी माँ जितना ही ताकतवर हो चुका है, और अब माँ समझ जाती है कि उसे खुद से दूर करना होगा और पेम्बा को अपनी माँ को छोड़कर जाना ही पड़ता है। 2 दिन तक अनजान इलाके में भटकने के बाद पेम्बा की भूख बढ़ने लगती है। पेम्बा अब 3.5 साल का होने के बावजूद भी शिकार करने की कला को सीख नहीं पाया है, लेकिन अब अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे शिकार करने के तरीके को बदलना होगा, क्योंकि यहाँ मदद के लिए उसकी माँ नहीं आएगी। पेम्बा शिकार करने के लिए वो तरीका अपनाता है जो कि एक माहिर शिकारी में देखने को मिलते हैं। वो दबे पांव और बिना कोई आवाज किए इम्पाला के करीब पहुंचता है, और आखिरकार उसे अपनी जिंदगी के पहले शिकार में कामयाबी मिल ही जाती है। लेकिन चोर हाइनास पेम्बा की इस खुशी पर ग्रहण लगा देते हैं, लेकिन वो दूर रहकर मौके का इंतजार करता है। वो जानता है कि हाइनास कोई न कोई गलती जरूर करेंगे। जब 4-5 हाइनास मिलकर लगभग आधे इम्पाला को खा चुके होते हैं कि तभी वो हाइनास खाने को लेकर आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, और इसी का फायदा उठाकर पेम्बा दौड़कर तेजी से जाता है और हाइनास के बीच में से अपने शिकार को लेकर रफू चक्कर हो जाता है,
और आखिर में माँ के द्वारा दी गई ट्रेनिंग यहाँ काम आ ही जाती है। पेम्बा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, आगे बढ़ने और सीखने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता है। पेम्बा की उम्र अब बढ़ गई है और वो पहले से ज्यादा समझदार भी हो गया है और जिस्म पर किसी अनुभवी शिकारी वाले लड़ाई के निशान भी है। इसका न केवल खुद का इलाका है बल्कि इसे एक लोकल मादा भी मिल चुकी है।